दोस्तों नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हिसार लोकसभा से जयप्रकाश जेपी को कांग्रेस का टिकट मिल गया है और रणजीत सिंह चौटाला जो कि एक दौरा पूरा भी कर चुके हैं और पूरे लोकसभा के अंदर लगभग वो मेन जगहों पर जा चुके हैं, तो अब चुनाव बड़ा दिलचस्प है। सुनैना चौटाला ने पूरा जोर लगा रखा है। इधर से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला भी एक बार मेन जगहों पर कुछ कस्बों में गए हैं और चुनाव प्रचार उन्होंने भी शुरू कर रखा है। लेकिन अब एक ऐसे कैंडिडेट की मैं आपको बात बताऊंगा जिस पार्टी ने कभी किसी पूंजीपति से चंदा नहीं लिया है, न किते इलेक्टोरल बॉन्ड में उनका नाम है और लगभग काफी लंबे समय से SUCI कम्युनिस्ट पार्टी, भले ही उनके वोट थोड़े आते रहे हों लेकिन मजदूरों के हकों की आवाज उठाने के लिए, कर्मचारियों, दलितों, उत्पीड़ित लोगों की आवाज उठाने में ये जो कार्यकर्ता हैं SUCI के, आमतौर पर देखा गया है कि खासकर मजदूरों की मांगों के लिए और छोटे कर्मचारियों की मांगों के लिए ये बड़ी लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। तो इस पार्टी से भी लोकसभा हिसार से विजेंद्र सिंह मास्टर जीतपुरा जो यहाँ से कैंडिडेट हैं, उन्होंने पूरी ताल ठोक दी है और वो भी दौरा पूरा कर रहे हैं और जगह जगह वोट के बारे में तो मैं नहीं कह सकूंगा अभी कितना वो कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन वो जहां भी जाते हैं उनकी बातों को जरूर सुना जाता है। तो आइए मैं आप इनसे रूबरू कराता हूँ और इस बारे में हांसी के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें SUCI कम्युनिस्ट के बड़े नेता राजेंद्र सिंह एडवोकेट जो रेवाड़ी से हैं, वो बहुत मुखर वक्ता हैं, और मेयर सिंह बांगड़ जो जिला के इनके प्रभारी हैं और सत्यनारायण भाटोल जो जिला प्रधान हैं SUCI के, और सत्यवान जी जो रोहतक से हैं और काफी बड़े कॉमरेड कम्युनिस्ट के नेता हैं, इन सब ने यहाँ पर ऐसी आकर इसकी घोषणा की थी। तो मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो आज मैं पुनः उसी एक और वीडियो उनकी अभी डाल रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखकर पसंद करेंगे। तो आइए लिए चलता हूँ आपको ऐसी के उस सभागार में जहाँ SUCI कम्युनिस्ट के उम्मीदवार मास्टर विजेंद्र सिंह की टिकट की घोषणा की गई। इसके अंदर चल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो जनता के दम पे, जनता से पैसा लेके, जनता की मदद से हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। पूंजीपतियों से एक पैसा कभी आज तक पार्टी ने लिया नहीं, सन 48 से जब से हमारी पार्टी बनी है। यही एकमात्र पार्टी है देश के अंदर जो बिल्कुल दावे के साथ ये कहती है कि हम पूंजीपतियों को उखाड़ के फेंकेंगे, देश के अंदर मेहनत कश का राज कायम करेंगे, और पूंजीपतियों से कभी एक पैसा आज तक पार्टी ने लिया नहीं। जनता के दम पर, जनता से पैसा लेके, जनता की मदद से पार्टी चुनाव लड़ती है। तो आज ये जो हमने मीटिंग बुलाई है, इसी मकसद से मीटिंग बुलाई है कि आप लोग इस बात को समझिए कि ये जो पार्टी है ये हमारी अपनी पार्टी है, ये हम सब मेहनत करने वाले लोगों की पार्टी है, और इस पार्टी को हर तरह से मदद करना, मजबूत करना, हर लिहाज से, जहाँ भी हम, चाहे वोट का मामला हो, जहाँ वोट दिलवा सकते हैं, वह हमें, हम सबको पार्टी को इसको वोट देना चाहिए। और जो हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, जिनसे भी हम मतलब मदद ले सकते हैं, हर तरह की मदद, पैसे की मदद, तन मन धन, हर तरह की मदद दे के इस पार्टी को मजबूत करना चाहिए हमें। ये हमारी अपनी पार्टी है, यही एक पार्टी है जो देश में मेहनत कश की राजनीति करती है। ये कॉमरेड राजेंद्र सिंह SUCI के राज्य सचिव हैं, ये अभी अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे बीच में उपस्थित इस देश के गरीबों की, मेहनत कश लोगों की पार्टी SUCI कम्युनिस्ट के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य आदरणीय कॉमरेड सत्यवान जी, हमारी जिला हिसार के इंचार्ज
सचिव डॉ मेहर सिंह बांगड़ जी, हमारी पार्टी के उम्मीदवार कॉमरेड मास्टर विजेंद्र जेतपुरा जी और सत्यनारायण भाटोर और हमारे बीच में श्री हवा सिंह, आप सभी जानते हैं, उनका सोशल मीडिया और न्यूज बुलेटिन है आपका संदेश, जो केवल एक पत्रकार ही नहीं एक प्रगतिशील विचारों के धनी है, वो भी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। जिला हिसार से आए हुए तमाम बहनों और साथियों, अभी मेहर सिंह जी ने आपके सामने बताया कि एसयूसीआई कम्युनिस्ट हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवार मास्टर विजेंद्र जीतपुरा है। मैं आग्रह करूंगा एक बार उम्मीदवार आ जाए, ये हमारे उम्मीदवार हैं और आपके हिसार के गांव जीतपुरा से, इनके बारे में मैं संक्षिप्त आपको बता दूं, बाकी जब ये आपके बीच में आएंगे आप समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। ये आंदोलन से टक्कर आए हुए संघर्षशील साथी हैं। हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पूरे देश के अंदर 151 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में 6 सीटों के ऊपर है, जिसमें एक हिसार लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है वो उम्मीदवार वो लोग हैं, वो संघर्षशील साथी हैं जिन्होंने जनता के संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाज के गरीब तबके की जो भी लड़ाई हो, उनके हकों के लिए जो भी संघर्ष हो, किसान आंदोलन हो, भवन निर्माण का आंदोलन हो, स्कूल में खाना बनाने वाली हमारी बहनों का आंदोलन हो, तमाम शोषित पीढ़ी जनता के आंदोलनों में जो खुले मन से हिस्सा लेते हैं, संघर्ष में निस्वार्थ ढंग से शामिल होते हैं, एसयूसीआई कम्युनिस्ट ऐसे लोगों को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारती है। सबसे बड़ी पहचान यह है। दूसरी जो पार्टियां हैं उनके पास जो क्राइटेरिया है उम्मीदवार चुनने का, ये उनके पास कितना धन है, कितना वो जात पात का नारा लगा सकते हैं, कितना पैसा बहा करके वो दारू बांट सकते हैं और किस तरह से लोगों को बरगला करके वोट ले सकते हैं, उनके पास एक क्राइटेरिया है। तो एसयूसीआई का मापदंड और दूसरी पार्टियों का मापदंड मौलिक तौर पर अलग अलग है कैंडिडेट बनाने के मामले में। जिस समाज में हम रह रहे हैं, स्पष्ट तौर के ऊपर हम जानते हैं, किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मुल्क, हमारा समाज, ये हमारा देश
ये दो पहाड़ों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो देश के मुट्ठी भर लोग हैं, जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, जिनको हम धन्ना सेठ कहते हैं, जो अमीर हैं, जो संख्या में बहुत थोड़े हैं। इसी देश में दूसरा वो तबका है जिसके हिस्सा हम यहां बैठे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, कंपनी में काम करने वाले हैं, दुकानदार हैं, जो मेहनत करके अपने परिवार को चला रहे हैं। एक वो तबका देश के अंदर है। जब इस देश में दो पहाड़े हैं, जब ये देश अमीर और गरीब में बटा हुआ है, और बटा हुआ ही नहीं, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई हर रोज चौड़ी होती जा रही है, गरीबों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, हमारे घरों के बच्चे बेरोजगार हैं, उनकी डिग्री, उनकी सर्टिफिकेट, उनका डिप्लोमा कोई काम नहीं आ रहा है। फार्म पे फार्म भरते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, एमएससी पीएचडी करने वाले को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी पढ़ाई है, मां बाप कष्ट से पढ़ाते हैं। फौज में जाने का जो रास्ता था, जैसे तैसे भाग दौड़ करके सड़क के ऊपर सुबह 3 और 4 बजे उठकर घर में बकरी गाय भैंस पाल करके बच्चे को दूध पिलाओ, दौड़ लगाए और फौज में किसी तरह भर्ती हो जाए, उस फौज का रास्ता भी बंद हो गया है। अग्निवीर स्कीम आ गई है, जहां साल के लिए लिया जाएगा, वो भी सभी को नहीं, और फिर उसको घर वापस भेज दिया जाएगा। जो गया वैसा ही बेरोजगार होकर फिर आकर खड़ा हो गया, वो रास्ता भी बंद है। गांव शहर के गरीबों को काम नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं। छोटे दुकानदार को चाय की दुकान खोलकर, परसुन्नी की दुकान खोलकर जो अपना गुजारा करते थे, वो छोटा व्यापार भी, खुदरा व्यापार, छोटे छोटा व्यापार भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने हाथों में ले लिया, वो भी बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, धीरे धीरे वो भी समेटते जा रहे हैं। रोजगार के रास्ते नहीं है। जो किसान, किसानों के लिए खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, गुजारा नहीं हो रहा है, गुजारा करने के लिए गरीबों को कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज उतरता नहीं, कर्ज के बोझ में मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। देश में मजदूर और किसान बेमौत मर रहे हैं, ये आंकड़े हमारे हर घर की कहानी है। रहा पाया नौजवान सही हो, मां बाप की सेवा करे, उनको इन चुनावों में दारू पिलानी सिखाई दी जाती है, दारू पियो हमारी जय बोलो, कुछ पैसे उनको दे दिए जाएं। आज देश का तमाम मेहनत कस लोग दुखी और परेशान है। स्कूलों में खाना बनाने वाली एक बहन अपने घर से बच्चे को लूखी रोटी छोड़कर स्कूल में जाती है, सरकारी स्कूल में जाती है, और वो हांडी बर्तन मारने से लेकर खाना बनाने तक पूरे दिन स्कूल में रहती है,
उसको मिलता क्या है? बदले में अगर आप आंदोलन ना करो, प्रदेश की मिड डे AIUTUC के नेतृत्व में, महेश सिंह के नेतृत्व में अगर आंदोलन ना करें, मिलता क्या था? आंदोलन से 7,000 रुपए किए, परंतु अब कहा जा रहा है तुम स्कूल से बाहर हो लो। सरकार ने स्कूलों को बेच दिया और प्राइवेट स्कूल भाई मुनाफा के लिए कंपनी बन गए हैं। एक कारखानेदार कारखाना लगाएगा, वो सोचता है कि कम पैसा खर्च करूं, कम लागत लगाऊं और ज्यादा मुनाफा लूं, ज्यादा पैसे कमाऊं। आज प्राइवेट स्कूल का यही हाल है। क्या हुआ करीना में, मुझे नहीं पता आप जानती हो नहीं जानती हो। करीना के प्राइवेट स्कूल में वो खट्टारा बस जिसके कागज नहीं, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं, नशे में धुत, और उसने कितने मासूम बच्चों की जान ले ली। ये सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने पढ़ाई को मुनाफा की चीज बना दिया है और सरकारी स्कूलों पे ताला लगाने के साथ ही चल रही है, लगा दिए गए हैं। ये हमारे देश और प्रदेश की हालत है। इस हालत के अंदर चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया पूंजीपतियों की तिजोरियों से भाजपा को आ रहा है, कांग्रेस को आ रहा है करोड़ों अरबों रुपया, जो पूंजीपतियों से पैसा लेकर जो चुनाव के मैदान में आएंगे, क्या वो जनता की समस्याओं को सुन पाएंगे? क्या उनका हल कर पाएंगे? ये पार्लियामेंट जहां ये MP चुनकर जाएंगे, ये देश के मजदूरों के खिलाफ कानून पे कानून पास कर रही है। एक लेबर कोड आया है, इसी भाजपा की सरकार ने पास किया है, जिस भाजपा की सरकार ने किसानों की जमीन को अडानी अंबानी को सौंपने के लिए 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी। अगर वो कृषि कानून अगर पास हो जाते, देश का संयुक्त किसान मोर्चा जिसके नेता कम सत्यवान जी यहां बैठे हुए हैं, और इस देश का किसान अगर दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे 700 किसान अगर शहादत नहीं देते, अपनी कुर्बानी नहीं देते, सरकार की लाठी गोली सहन करके, गर्मी बरसात सर्दी सहन करते हुए जो अडानी को हमारी जमीन दी जा रही थी, अगर वो कानून अगर लागू हो जाते तो हम खेत हमारे हाथों में नहीं रहता। आज के दिन हम उसमें भेड़ बकरी और पार्टी भी नहीं चढ़ा पाते। वो किसानों ने वो कानून को वापस करवाया, ये आप जानते हैं। ये तमाम लोग यही थे, कोई BJP का झंडा उठा करके सांसद बना हुआ था। आज BJP की साख खराब हुई, वो कांग्रेस में आकर चला गया, वो BJP में आकर के मलाई खाने के लिए आ गए। आज ये चुनाव उनके लिए ऐश और आराम की चीज है, परंतु जो गरीब आदमी है उसके लिए चुनाव में गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है कि हमारे हमारी आवाज, हमारे हक हमको कैसे मिलेंगे। अगर हम चुपचाप बैठे रहें और वो धुआंधार प्रचार करते रहें, TV में करोड़ों रुपया दे दें, अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो आ जाए, बड़े बड़े वो पोस्टर लगा दें और हम साइलेंट बैठे रहें, और अगर हम ये सोचें कि हम क्या करेंगे, हम साधारण आदमी हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। SSI कम्युनिस्ट ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है, गरीबों के पारे को मजबूत करने के लिए साथी विजेंद्र को, मास्टर जी को मैदान में उतारा है। मैं आपसे केवल एक ही आपसे बात करना चाहता हूं, क्या इस चुनौती को
गरीबों के पाले को मजबूत करने के लिए, किसान मजदूरों की लड़ाई को तेज करने के लिए जो विजेंद्र जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी जाए और इस आंदोलन की गूंज को पार्लियामेंट में भी पैदा किया जाए। क्या इस चुनौती को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, आप अपना हाथ खड़ा करके बताएं। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, आज आप 150-200 यहां बैठे हैं, अगर आप गांव में निकल जाएंगे, गांव की चौपाल में घर घर पर्चा लेकर निकल जाएंगे कि हमारी अपनी पार्टी एससी से कम्युनिस्ट, उस पार्टी का ये झंडा ये निशान और उसके आंदोलन के कमांडर, उस चुनाव के कमांडर मास्टर वीरेंद्र सिंह, हम चुप नहीं बैठेंगे। जनता को अगर हम समझा पाएंगे, 101% विजेंद्र पार्लियामेंट में चला जाएगा, एमपी बनकर चला जाएगा। ये अगर हम कभी नहीं चलता, अगर समझदारी आ जाए तो धन खराब हो जाता है। धन बल तभी चलता है जब जनता अचेत ना समझ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आंदोलन को, जो आंदोलन है चुनावी आंदोलन, इसको अपने हाथ में लेंगे। विजेंद्र कैंडिडेट है, परंतु आप गरीबों के तबके के गरीब वर्ग के आप तमाम बहन और भाई उम्मीदवार हैं। इस सोच से आप आगे बढ़ेंगे, यही बात कहने बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, एससीसीआई कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद।